नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वही मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले इन दो लेक्चरों पर हमारी दो क्लास आ चुकी हैं, एक क्लास हमारी कंप्लीट जीएस पे आ चुकी है। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हम क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे शो होता है, तो फटाफट से प्यारे बच्चों एक बार इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे इस टाइम नहीं देख रखे उनको भी क्या मिल जाए, इसकी सहायता मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है वो है ये, फटाफट से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति, कौन सा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल जो रंगपुर है ये किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं, इन सब का हमें पता है, लेकिन यहीं पर उनमें से एक स्थल आपको दिया जा रहा है रंगपुर। इसको रंगपुर है जो, ये किस राज्य के अंदर पड़ता है, तो राज्य की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है जी गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात राज्य के अंदर क्या पड़ता है, ये रंगपुर स्थल पड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था। अगर इसकी बात की जाए तो वैदिक युग में जो अनस था वो बैलगाड़ी का क्या था, प्रचारक का था। किसका था वो, बैलगाड़ी का वो प्रचायक था। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था, तैमूर के समय भारत पर किस वंश का शासन था। तो वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का था। तुगलक वंश का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1320 से लेकर 1414 तक। और बात की जाए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के अंदर। कब किया था जी, 1398 ईस्वी के अंदर क्या किया था, तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे। तो तैमूर ने 1398 में किया और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस वंश का शासक था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ ले कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1398 में किया। उस टाइम पे शासक कौन था, तो शासक की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे शासक कौन था भाई, उस टाइम पे शासक था नसरुद्दीन महमूद। कौन शासक था उस टाइम पे, नसरुद्दीन महमूद उस टाइम पे शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फतूत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है, फतूत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। फतूत ए फिरोज शाही फारसी में है, किसकी आत्मकथा, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक का शासन काल कब से कब था, 1351 से 1387 तक, अठासी तक क्या रहा इसका शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता है, नेहरू का सवरण काल इसके काल को बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किए थे, कुछ नगर बसाए थे जैसे हिसार, फतेहबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर जैसे क्या बनाए थे, इसने कुछ नगर बसाए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ था, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ था। तो वो कौन था जी, वो था फिरदौसी। कौन था जी, फिरदौसी क्या हुआ था, बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम, क्वेश्चन क्या है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने
करवाया था, तो किसने करवाया था जी, ये करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने। किसने किया था, पल्लव वंश के जो शासक थे, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसी चैनल पर आपको मंदिरों से रिलेटेड क्लासेज भी मिल जाएंगी। तो दो क्लासें यहाँ पे पड़ी हुई हैं मंदिरों से रिलेटेड, जिसमें हमने 20 मंदिरों को कवर किया है, और ये 20 मंदिरों में ये महाबलीपुरम भी उनमें से क्या है, एक मंदिर है। तो मंदिरों की वीडियो को जाके आप वहाँ से सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। मंदिरों में जो भी डाउट आते हैं वहाँ पे आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाउट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है, उत्तर क्या रहेगा, कैलाश मंदिर। कौन सा रहेगा, कैलाश मंदिर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। अब पूछा जाए औरंगजेब कौन था जी, औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी प्रतापी शासक था, औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी प्रतापी शासक था जी। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो शासन काल था वो कब थे, 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, औरंगजेब का मकबरा है जी साउथ इंडिया के अंदर। औरंगजेब से क्वेश्चन ये आता है कि औरंगजेब का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है जी दक्षिण भारत को। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तीन रियासतें हैं, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीन महान रियासतें हैं, उन तीनों को हथियाने की कोशिश की है किसने, औरंगजेब ने। वहां पे माना जाता है कि ना तो कभी औरंगजेब हारा और ना ही कभी औरंगजेब जीता। क्या हुआ, ना कभी हारा ना कभी जीता। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वहां पे देखा जाए तो मान लो बीजापुर को जैसे ही जीता तो अहमदनगर आजाद हो गया, अहमदनगर को जीता उसके पीछे बीजापुर ये हो गया, तो इस प्रकार से अपने आप को वो स्वतंत्र घोषित करते रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना ही औरंगजेब वहां पे कभी जीता और ना ही कभी हारा, और वहीं पर बेचारे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है, औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था, प्यारे बच्चों फटाफट से बता दीजिए। तो क्या था, बलि। क्या था जिसका, बलि। बलि नामक कर वहां से किससे लिया जाता था, प्रजा से वसूला जाता था, किस शासन काल में, वैदिक सभ्यता के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें जो राज्य खोजे गए हैं सबसे ज्यादा राज्य कहाँ पे है, गुजरात में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा नगर कहाँ पे है, किस देश के अंदर है, तो सबसे ज्यादा नगर कहाँ पे है जी, भारत के अंदर है, लगभग 925। बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में लगभग 475, अफगानिस्तान में लगभग 2। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, भारत में। लेकिन पूछ लिया जाए जी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है, तो भारत में जो सबसे ज्यादा है ना वो कहाँ पे है, वो है जी गुजरात के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बता दीजिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। क्योंकि इतिहास की अगर बात करें, पहला ये टॉपिक हमारा इंडियन हिस्ट्री का होता है और सबसे ईजी ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में SSC कई बार इसको पूछ चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इतने बेसिक क्वेश्चनों का पता है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिनको इन बेसिक क्वेश्चनों का नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था, आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था, ये था मखील गोशाला। कौन था, मखील गोशाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों कौन सा है, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो किसको माना जाता है प्यारे बच्चों, ये माना जाता है प्यारे बच्चों लुम्बिनी को। किसको माना जाता है प्यारे बच्चों, लुम्बिनी को ये माना जाता है बौद्ध धर्म की जन्म स्थली।
उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज सेवा में थे? जो शिवाजी हैं उसके जो पिता थे शाहजी भोसले वो किस राज्य की राज सेवा में थे? तो वे किसके थे जी? अहमदनगर। अभी अहमदनगर का हमने औरंगजेब के टाइम पे जिक्र किया था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों महान रियासत हुई है किस टाइम की? औरंगजेब के टाइम की। तीनों ही महान और पावरफुल रियासतें रही हैं दक्षिण भारत की। उसके बाद प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, और आपने देखा होगा हमारी जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उनमें भी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता होगा। क्यों मिल जाता है? क्योंकि फेमस जो क्वेश्चन होते हैं, जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपको हर जगह दिखाई देंगे। क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करता है, अगर देखी जाए स्टेट का कोई भी एग्जाम हो तो स्टेट क्या करता है, हमेशा ही SSC का जो पैटर्न रहा है उसको उठाता है। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि जो SSC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चनों पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके अलावा क्वेश्चन कहीं और से बन भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट पूरी हो चुकी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है धर्मपाल ने किस मठ की स्थापना की थी, धर्मपाल ने किस मठ की स्थापना की थी, क्वेश्चन उसने घुमाया धर्मपाल नाम याद आया। तो अब हमारा माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है कि यार धर्मपाल हो कौन गया। लेकिन जब ये पूछा इसने, बड़े प्यार से पूछा, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की, तब तो हमें धर्मपाल पता है, लेकिन पूछा जाए धर्मपाल ने किस मठ की स्थापना की, तब हमारा जो दिमाग होता है वो आउट हो जाता है कि जी नहीं, ये धर्मपाल यहाँ से कौन आ गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से स्टेट के अंदर है? दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये है जी किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में। कहाँ पे है, माउंट आबू में स्थित है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट आबू कहाँ पे है, तो माउंट आबू की अगर बात की जाए तो माउंट आबू कहाँ पे पड़ती है जी, ये पड़ती है अरावली के अंदर, और अरावली कहाँ पे पड़ती है, राजस्थान के अंदर। और अरावली के जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर, अरावली की क्या है, ऊंची चोटी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान के कालीबंगा से में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में है? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जिला पूछा जा रहा है, और पर्टिकुलर जिला कब पूछा जाता है, जब पर्टिकुलर किसी स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, कोई स्टेट का जब एग्जाम देते हैं पर्टिकुलर स्टेट से पूछते हैं। SSC यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कालीबंगा किस राज्य के अंदर स्थित है, कालीबंगा किस राज्य के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर। कालीबंगा किसके लिए फेमस है, कालीबंगा किसके लिए फेमस है, ये काली चूड़ियों के लिए फेमस है। कहाँ पे है, राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जब स्टेट ने एग्जाम लिया तो पूछा कि जो कालीबंगा है ये किस राज्य, किस जिले के अंदर है, तो ये है गंगानगर जिले के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजर की घोषणा की थी, मजरनामा क्या कहा जाता है इसको, मजरनामा कहा जाता है। तो मजरनामा की शुरुआत करने वाला शासक था कौन, अकबर। अब अकबर की बात की जाए, अकबर मध्यकालीन भारत का महान शासक हुआ है, अकबर को महान बोला जाता है, हुमायूं का ये पुत्र था। 1556 में अकबर शासक बना था। 1556 में जैसे ही अकबर शासक बनता है, कब बनता है, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत जाता है, जीतने के बाद क्या बनता है, अकबर शासक वहां पे बन जाता है। अकबर दोबारा से अपना राज्य अभिषेक करवाता है 1556, और कब तक रहता है, 1605 तक। अब बात की जाइए मजरनामा क्या थी जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मजरनामा। अकबर ने एक
मजरनामा से एक घोषणा पत्र बना रखा था, एक विभाग बना रखा था मजरनामा। इसने कहा कि मेरे साम्राज्य के अंदर कोई भी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कोई भी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन मैं उसको माफ कर दूंगा। माफ कब करूंगा? जब वो क्या करेगा, मुझे पता चलने से पहले क्या कर लेगा, वो माफी अगर मांग लेता है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। ये योजना किसने शुरू की थी? ये की थी अकबर ने। और अकबर शासक कब बना था? 1556 में अकबर शासक बनता है, और कब तक रहता है? 1605 तक। उसके बाद बात की जाए, दिल्ली का लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? जो दिल्ली में लाल किला है, इसका निर्माण करवाया गया था, और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का जो निर्माण करवाया गया वो शाहजहां ने करवाया। और इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो निर्माण कार्य था वो किसने करवाया था? वो करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसके अंदर निर्माण करवाया। किसका? मोती मस्जिद का। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बने निकलते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। उसके बाद बात की जाए, औरंगजेब ने इसमें क्या करवाई? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि दौलताबाद नाम रखा था इसने चेंज करके, किसका? देवगिरी का। देवगिरी का नाम चेंज करके इसने क्या किया था? दौलताबाद किया था। तो एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दौलताबाद की सामना किसने की? तो दिल्ली से दौलताबाद कौन लेके जाता है? 1327 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे ले जाता है। और बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की, अब मोहम्मद बिन तुगलक के से हम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे दौलताबाद ये राजधानी लेके जाता है, कब लेके जाता है? 1326 में। ये जो इसकी स्कीम थी ये क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ऐसे ही इसने अपने शासन काल में 5 योजनाएं बनाई और 5 की 5 क्या हो गई जी? फेल हो गई। इसलिए इसको पागल राजा, पढ़ा लिखा अनपढ़, मूर्ख राजा, रक्त पिपासु नाम दिया गया, पढ़ा लिखा अनपढ़। क्योंकि बात की जाए मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद हम बात करें दीवाने को ही, यहाँ पे दीवाने को ही लिख रखा है, दीवान ए को ही आएगा, दीवान ए को ही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित है? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है। एक जगह तो आपसे पूछ रहा है कि दीवाने को ही की स्थापना किसने की, इस विभाग को गठन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया जी। पहला क्वेश्चन यहाँ से करो गया, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या पूछा? आपको पहले ही बताया कि भाई दीवाने को ही का जो गठन है ना वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि ये विभाग किसका था, ये विभाग किससे संबंधित है? तो हम क्या कहेंगे जी, ये विभाग संबंधित है जी। किससे? ये विभाग संबंधित है कृषि से। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से ये विभाग संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? यह था जी जहांगीर। जहांगीर था। कौन था जहांगीर? सबको पता है जहांगीर कौन था? यह वही जहांगीर था जो किसके लिए फेमस था? अनारकली के लिए ये फेमस था। आपने एक सोनी भी सुना होगा, अनारकली डिस्को चली, तो वो इसी पे बना हुआ है जी। जहांगीर शासक कब बनता है? 1605 के अंदर बनता है, और कब तक रहता है? 1627 तक रहता है। बात की जाए जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था? अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। पिता को कहा था कि पिताजी मुझे शासक बनना, मुझे शासक बनने दीजिए। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली जहांगीर ने। किसको बोली? अकबर को। अकबर को धमकी दी, या पिताजी मुझे शासक बनने दीजिए, नहीं मैं तो आपको देख लूंगा। तो एग्जामिनर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछता है, मुगल बादशाहों में ऐसा कौन सा बादशाह था जिसके शासनकाल में पुत्र का विद्रोह पिता के खिलाफ हुआ? तो किस कौन नींव डालने वाला था? जहांगीर डालने वाला था। जहांगीर ने पिता का विद्रोह किया। इसके बाद क्या हुआ? जितने भी शासक आए सबके जो पुत्र हुए, पुत्र ने क्या किया? पिता का विद्रोह किया। जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के पुत्रों ने विद्रोह किया। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के पुत्र ने विद्रोह किया। तो ऐसा पूरे मुगल सल्तनत में क्या हो जाएगी? नींव पड़ जाएगी। अब
हर पुत्र क्या करेगा, पिता के खिलाफ विद्रोह करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या है। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय क्या है, भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाश रोकना। अब इस वर्नाकुलर एक्ट प्रेस की बात करें, जो एक्ट का आया, ये आया किस लिए था। अब बात करें हम 1858 के, बार पीछे चलते हैं। 1858 में जब भारत में क्राउन का शासन लगता है, 1858 भारत शासन अधिनियम, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने एक विचार किया, एक नीति बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर इतने बड़े देश पे हमें अधिकार करना है, इतने बड़े देश पे हमें शासन चलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, इतने बड़े देश के लिए क्या चाहिए होगा, इतने बड़े देश के लिए चाहिए होगा जी भारतीयों का सहयोग लेना। अब ये विचार कर लिया जी, किसने किया विचार, ये विचार किया जी अंग्रेजों ने, और भारतीयों को चाहिए सहयोग करना, किसमें इनका सहयोग करेंगे। लेकिन भारतीय सहयोग कब कर सकते हैं, जब भारतीय शिक्षित हों, और शिक्षित कब हो सकते हैं, जब उन्हें हर तरह से आज़ादी दें। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया जी, और साथ में बोले कि आप क्या कर सकते हो, स्थानीय भाषाओं में अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन कर सकते हो, ये बोला। लेकिन अब बात करें यहाँ पे, इन पे बैन क्यों किया गया, भारतीय भाषाओं के पत्रों का जो प्रकाश था इसको रोकने की कोशिश क्यों की गई, इसके पीछे का रीजन क्या रहा। अगर रोकने की कोशिश ही की बात करें हम, क्यों रोकने की कोशिश की गई, तो रोकने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि अब इनको लगने लगा कि जो ये स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र छप रहे हैं, इनमें डेली कुछ ना कुछ छप जाता है। क्यों, क्योंकि अंग्रेज कहीं पे कुछ कभी कुछ करते रहते हैं और उनका विद्रोह होता रहता है, और वो नेक्स्ट डे किस में आता है, स्थानीय भाषाओं में छपता है, तो सबको पता चलता है, इसलिए सारे के सारे पब्लिक क्या होती है, जागरूक होती है। तो इन्होंने क्या किया, इस वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को ही बंद कर दिया। यहाँ पे ये एक्ट ये लेके आए थे कि अब ये लोग क्या नहीं कर सकते, स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र नहीं छाप सकते, ये बोला गया जी। अब बोला गया, इन्होंने सोचा कि अब मैं हम क्या करेंगे, राष्ट्रवाद के जो उदय होने लग रहे हैं, जो पनपने लग रहा है राष्ट्रवाद, उसको दबा उसका दमन कर देंगे। लेकिन नहीं, इससे दमन नहीं हुआ, राष्ट्रवाद क्या हो गया जी, और भी ज़्यादा अब यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अगर बात की जाए, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यताओं का प्रसिद्ध केंद्र था, तो किसकी बात करें हम यहाँ पे, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में था जी, कनिष्क के शासनकाल में ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कौन सा है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, तो इसकी अगर बात की जाए तो कौन कौन से थे, वो थे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। कौन कौन से थे, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का क्या हुआ था, उदय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन सा है, तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है जी, विजयनगर की स्थापना कब हुई, विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर की स्थापना हुई जी 1337 के अंदर। वहीं पे बात करें हम बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की कब हुई, 1347 के अंदर। बहमनी की किसने की, अलाउद्दीन मेहमद शाह ने की, और विजयनगर की किसने की, हरिहर और बुक्का ने की 1336 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो इसकी अगर बात की जाए ये कौन था, ये था जी बाबर। कौन था, बाबर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश के
आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी वंश के आखिरी शासक किसको क्यूमर्स की हत्या की, और क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। खिलजी वंश की नींव कब रखी गई जी, खिलजी वंश की नींव रखी गई थी 1290 में। और खिलजी वंश कब तक चला था, ये चला था जी 1320 तक। क्वैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, क्वैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो किसने करवाया था, वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था, एक का नाम आलम खान लोदी था, दूसरे का नाम क्या था, दौलत खान लोदी था। तो इन्होंने बाबर को प्रेरित किया था कि आप आओ और क्या करो, अटैक करो, और फिर बाबर इनके कहने पर 1526 में अटैक करता है दिल्ली पर, और एक युद्ध होता है पानीपत का, प्रथम युद्ध किस किस के बीच होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें पराजित कौन होता है, इब्राहिम लोदी होता है, और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। यहाँ पे इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, लोदी वंश का आखिरी शासक, जैसे ही मारा जाता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध स्थल पर मारा गया, तो कौन सा शासक था, वो शासक था जी इब्राहिम लोदी। उसके बाद 1757 में अली नगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। अली नगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। अब बात की जाए यहाँ पे 1757 के अंदर, 1757 के अंदर युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, मारा जाता है। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, किस एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो एक्ट कौन सा था, एक्ट था जी 1773 का। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुई, 1774 में, किस एक्ट के तहत हुई, 1773 वाले एक्ट के तहत हुई। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है, वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है, तो इसमें कौन आएगा, जैमिनी आएगा जी। उसके बाद अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं, ये बर्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे, तो उत्तर क्या रहेगा, अंगूनर की निकाय, अंगूनर निकाय क्या था, अंगूनर निकाय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुल्य से क्षेत्रीय को अग्नि से, वैश्य को जल से तथा शूद्र को विष से की जानी चाहिए, तो ब्राह्मीरी ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था। यहाँ पे जो टाइपिंग में एरर है प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी सी इसमें टाइपिंग में एरर है, तो अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे ये क्या कहना चाह रहे हैं। 1983 में ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के विषय में मंत्री सवरण बेलगोला में गोमतेश्वर कि 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था, चामुंडा राय ने करवाया था जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा है, खेर उल मजलिस का लेखक कौन है,
खेर उल मंजलिस का लेखक कौन है? ये हमीद कलंदर। कौन है जी? हमीद कलंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब था, किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब था, किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1873 के लॉर्ड लिटन के वायसराय में, 1873 में पास हुआ। और वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन यहाँ पे वायसराय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना क्या था? अकबर का दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि था। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के कांकतीय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। अब अगर बात की जाए, यहां पे दो क्वेश्चन एक अकबर से एक पूछा जाए, क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, हिंदी का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हिंदी का जो स्वर्ण काल इसके शासनकाल को कहा जाता है, ये कहा जाता है जी किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने में वारंगल के कांगतीय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर से बिना लड़े ही हार मान लेता है, और प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को एक हीरा भेंट करता है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा भेंट करता है? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। और फिर मलिक काफूर उसे ले जाकर किसको दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। साथ में एक उपाधि देता है सिकंदर ए सानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आया था? लॉर्ड कर्जन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे बच्चों, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था जी। किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। सासाराम बिहार में पड़ता है जी। किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का है जी। कहाँ किसका है? शेरशाह सूरी का है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी जी गौतम बुद्ध ने। किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्री रंगपट्टनम। क्या थी? श्री रंगपट्टनम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी जी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की जी? बात की जाए आगरा की स्थापना 1504 में की जी। आगरा को राजधानी कब बनाया जी? 1506 के अंदर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। किसकी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता के सबसे बाद का साहित्य कौन सा था? वाजयनी साहित्य। कौन सा था? वाजयनी साहित्य था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यजु संहिता का सबसे बाद साहित्य कौन सा था? वाजयनी था। किस पश्चिम विद्वान ने रोम से भारत से सोने का निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो वो कौन सा था? पिलनी। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भारत में गोष्ठी लिपि को स्थापित किया गया था। भारत में गोष्ठी लिपि को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया जी? ईरानियों के द्वारा किया गया। पर गोदन का आनंद वंदा सुखद कहा गया है
सुत निपात में, क्या कहा गया, सुत निपात में। चिरांद में लाल व काले मर्द बांड काल का संबंध किस धातु से है, तो इसका संबंध किस धातु से है जी, लोहे से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम संहिता में क्या कहा गया है, संपन्न व धनी किसानों को संगम संहिता में क्या कहा गया है, इनको कहा गया जी वेल नाम, क्या कहा गया जी वेल नाम कहा गया है। ऋग्वेद में अध्याना शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ था, दूध देने वाली गाय के लिए। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग की वजह से थोड़ी सी शब्दों में मेल जोल में जो दिक्कत आ रही है इसकी वजह से आ रही प्यारे बच्चों, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आगे ना किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप होते हैं और टाइपिंग में जाहिर बात है कि गलती हो जाती है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों में अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है, सराय ए अदल, क्या कहा जाता है, सराय ए अदल कहा जाता है। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है, तो ये अभिलेख है जी मस्की गुजरा अभिलेख, मस्की गुजरा अभिलेख। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जी अशोक को, किसको दिया जाता है, अशोक को ये दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले, सुरकोटडा में मिले, कहाँ पे, सुरकोटडा में मिले। किस मुगल शासक को रंगीले के नाम से जाना जाता है, किस मुगल शासक को रंगीले के नाम से जाना जाता है, तो रंगीले के नाम से जाना जाता है जी मोहम्मद शाह को, किस शासक को, मोहम्मद शाह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, चंदेल वंश का संस्थापक था ननूक, कौन था, ननूक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किस शासक, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, रुद्रमान प्रथम ने, रुद्रमान प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था, तो प्रथम पेशवा की बात की जा रही तो कौन था, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है, उत्तर क्या है, वेदांत, किसे, वेदांत से ये संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है, मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभ देव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे जी, ऋषभ देव थे। ओम नमो भगवत वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः किस धर्म का प्रमुख मंत्र है, ये वैष्णव संप्रदाय का है। प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एक बार इससे पहले आप इसको फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इस सेशन को अभी नहीं देख पाए हैं, तो इसके बाद जैसे ही ये सेशन आप उनके पास शेयर करोगे तो वो बच्चे क्या कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि हर बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, हर बच्चे ने बेल आइकन ऑन नहीं किया होता, बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, कि जो ऐसे ही क्लास सेशन इस पे आई सबको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फटाफट से एक बार आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं, द्रविड़ शैली के, किसके, द्रविड़ शैली के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेवा को परास्त किया है, तो सॉरी चीन की सेना को परास्त किया था, तो वो कौन था, वो था कनिष्क, कौन सा शासक था, कनिष्क का। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष दान की थी, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी, तो ये की थी जी 1837। लाल डलहौजी ने अपहरण की नीति
डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था? तो कौन सा था? यह था सतारा। कौन सा था? सतारा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? तो ये बना था जी 1853 के अंदर। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु हरगोविंद होयसाल। कौन थे बने? गुरु गोविंद बने। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है जी। होयसाल प्रदेश किस राज्य में स्थित है? होयसाल प्रदेश कर्नाटक राज्य में। क्या जी? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, क्वेश्चन कौन सा है ध्यान दे लीजिए फटाफट से। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक को ग्रैंड कौन था? कौन था शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया? कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है? 1602 में। अकबर 1600 में आती है और अकबर का शासनकाल था 1656 से 1605 तक। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? बर्नी ने। किसने की थी जी? बर्नी ने की थी। यहाँ पे बर्नी लिखा हुआ है तो टाइपिंग एरर है, मैंने प्यारे बच्चों पहले बताया था। क्या आएगा? ब्राह्मी नहीं आएगा। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा से अभिलेखों को लेकर कहाँ पे आया? दिल्ली लेके आया। एक मेरठ से, एक टोपरा से, दो अभिलेखों को लेकर कहाँ पे आता है? ये दिल्ली में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा है? किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो इसकी बात, किसकी बात की जाए? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित सरंग युक्त सिरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये की गई थी पशुपति शिव के रूप में। किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में ये की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो वरद दरायण उपनिषद में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। जो संगम युग था इसमें जो युद्ध होते थे वो किस कारण से होते थे? ज़्यादातर जो प्रमुख कारण रहता था वो कौन सा था? पशुओं की चोरी का प्रमुख कारण था। मुगल भवनों की दीवारों आदि शिल्प फूल पत्तियों पर अरे बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला पित्रादुरा कहा जाता है। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है? तो आगरा में इतमाद उद दौले के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इतमाद उल दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुर का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृत्यकल्प तरु के लेखक लक्ष्मीगर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। किसके? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी जी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो किसके हाथों में रही थी जी? बैरम खां के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में ये जिम्मेदारी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम पास किया गया। अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके बाद मौर्य काल में मारक कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। कौन सा था? मेवाड़ की अधीनता। किस राज्य के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री प्रसिद्ध हुए? उत्तर शिवाजी यानी कि मराठों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। मुगल कालीन के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई साइरस का चित्रण किसने किया था? मशहूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का है? बहमनी वंश का है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मारक की रचना किसने की थी? बुद्धघोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यावनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का है? यूनानी भाषा का है। ईसा का प्रारंभिक शताब्दी में एक्सोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों कौन सा है। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना सैन्य विभाग का के लिए की थी। किसके लिए की थी? सैन्य विभाग के लिए। बलबन ने एक विभाग बनाया पहले दीवाने विराजत। कौन सा विभाग बनाया थी? दीवाने विराजत एक विभाग बनाया जिसके अंदर सेना और वित्त को शामिल किया गया। लेकिन जैसे ही मुगलों के आक्रमण हुए उसमें महमूद खान मारा गया जो बलबन का पुत्र था, तो बलबन ने पता करवाया कि जी ऐसा क्यों हुआ, मेरे तो सेना भी मजबूत है फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो पाया गया कि सेना तो मजबूत थी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, किसके कारण? दीवाने विराजत के कारण, क्योंकि एक ही विभाग वो हो गया। तो फिर क्या किया बलबन ने? अलग विभाग बनाया दीवाने आर्च। किसके लिए? सेना के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है जी दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ये आएगा जैन अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध संघ और दम। उसके बाद राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था। खुरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने वाला जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के लिए जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। कलायुग के समय बंगाल में श्वेत क्रांति हुई, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों को भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हार्टक समिति की स्थापना इसने की थी। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना हुई? तो इसकी समिति की बात की जाए तो कौन सी थी? हार्टक समिति थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबार में थे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों, चारों आश्रमों को सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबलोपनिषद में मिलता है। सुतपिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध से, शाक्य मुनि से और तथागत से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? हरी सेन इसका लेखक है।
दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी गिरती है? अलबरूनी की गिरती है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेग, इतामतुद्दौला, आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूर जहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वासन प्राप्त किया था? अजात शत्रु के शासनकाल में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये थे नथशाला के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान व ईरान के। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। और दूसरी तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 के अंदर तीसरा युद्ध हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, अगर फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये सेशन पहुंच जाए और आने वाले एग्जामों में और बच्चों की भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। तो आज के लिए सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।